सो फाइनली दोस्तों आदि पुरुष फिल्म रिलीज हो गई आज। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों बहुत ज्यादा गूज बम्स आए हैं। और आपको बता दूं दोस्तों कि मैं अभी सुबह का 6 बजे वाला शो देखने गया था अपने पास के थिएटर में। दोस्तों आपको बता दूं कि अभी तक मेरे गूज बम्स है यार। जी हाँ दोस्तों, रोंगटे खड़े हो चुके हैं, क्योंकि भाई ये फिल्म, अगर आप इस फिल्म को एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हो दोस्तों, तब तो अच्छी बात है। जहां आपने इस फिल्म में कमियां ढूंढने के लिए पहुंच गए, मैं आपको बता रहा हूं फिर तो आपको कमियां ही कमियां मिलेगी। दोस्तों ऑसम फिल्म है, सिर्फ थिएटर के अंदर प्रभास, डार्लिंग प्रभास, तालिया, जय श्री राम और जय श्री राम के नारों से गूंजता हुआ थिएटर। दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक कमाल का है यार, बहुत सारी बातें हैं बोलने को, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज का खुलासा करूंगा। बहुत सारे फैंस लोग सोच रहे होंगे रावण, रावण का कैरेक्टर कैसा है, रावण के लिए बॉयकॉट की गई थी फिल्म में, 100 करोड़ का खर्चा किया था वीएफएक्स के ऊपर। दोस्तों सारी बातें बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी खुद मैं लौट के आऊं थिएटर से, और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दर्शकों को फर्स्ट डे और फर्स्ट शो का रिव्यू दूं। सो दोस्तों देर किस बात की है, वीडियो के अंत तक बने रहिए, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो जय श्री राम बोलते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि आदि पुरुष फिल्म 2023 की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म है, जिसका आज फर्स्ट डे ओपनिंग दोस्तों 100 करोड़ के पार जाने वाला है, और पठान के रिकॉर्ड ये एडवांस बुकिंग में पहले ही तोड़ चुकी है। दोस्तों पठान क्या, बाहुबली और बाहुबली 2 के रिकॉर्ड भी टूट चुके हैं, यानी कि ये फिल्म दोस्तों जितनी हाइप इसकी बनी हुई थी ना दोस्तों, इस फिल्म ने अपना सारा पैसा वसूल तो पहले ही कर लिया था, सैटेलाइट, थिएटर राइट, डिजिटल राइट सबसे। उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बॉक्स ऑफिस की और एडवांस बुकिंग की सारी कलेक्शंस और फिल्म ने कितना कमाया दोस्तों सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मूवी रिव्यू की बात करेंगे हम। दोस्तों आपको बता दूं, जब मैं सुबह सुबह 6 बजे वाले शो में गया ना भाई, सच बता रहा हूं भाई, इस समय भी बहुत भीड़ थी, लोग लाइन लगा हुए थे। और दोस्तों मैं किसी मल्टीप्लेक्स में नहीं गया था, अपने घर के बगल वाले थिएटर में गया था, जो कि सिंगल थिएटर स्क्रीन था। दोस्तों वहां पर लोग ना, मैं बता रहा हूं, नहा कर भी नहीं आते यार, सो कर गए थे भाई, सो के नींदों में गए थे। और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था प्रभास को देखने के लिए एज ए राम, और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट था कि यार आदि पुरुष में ऐसा क्या नया है। आई नो हम सबको स्टोरी पता है क्या स्टोरी होगी, लेकिन हम सब थिएटर जा रहे हैं जस्ट बिकॉज ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि यार इसका जो वीएफएक्स पार्ट है वो कितना कमाल का है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक कितना कमाल का है, दोस्तों एनिमेशन से क्या वाकई में टीजर में जो दिखाया था वही है। तो दोस्तों सारी पॉइंट्स बताऊंगा आपको। दोस्तों वीएफएक्स है ना, इस फिल्म का वीएफएक्स हॉलीवुड का बाप है दोस्तों, वीएफएक्स कमाल का यार, जितनी तारीफ उसके वीएफएक्स की हो रही ना भाई, जो पैसा खर्च किया था ना इंप्रूवमेंट पे दोस्तों, वीएफएक्स कमाल का बताया जा रहा है, हर वो एक सीन कमाल का बताया जा रहा है। एनिमेशन भी दोस्तों बहुत बढ़िया है, साथ ही साथ बैकग्राउंड म्यूजिक, दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ना रोंगटे खड़े करने वाला है, कि जब जब जय श्री राम का सॉन्ग बज रहा है तो दोस्तों थिएटर में सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक पॉजिटिविटी एनवायरमेंट हो रहा है यार, जैसे कि है ना मंदिर में बैठे हो थिएटर में नहीं बैठे हैं। जी हाँ, और एक सीट, हर एक सीट जो है भगवान हनुमान जी के लिए रखी गई है यार वहां पर, तो आप सोच सकते हो दोस्तों कितनी बड़ी पॉजिटिविटी मिल रही है थिएटर के अंदर से। सिर्फ लोग बाहर निकलते ही प्रभास, डार्लिंग प्रभास, मजा आ गया, ऑसम, सुपर। दोस्तों तेलुगु के अंदर तो और ज्यादा धमाल मचा, जितने भी साउथ स्टेट है, तेलुगु, कर्नाटका, दोस्तों आंध्र प्रदेश, वहां तो जनता पागल हो गई है यार, और यहां भी दिल्ली में भी पागल हुई पड़ी है। दोस्तों कमाल का एनवायरमेंट मिल रहा है, कुल मिला के एक जिसे कहते हैं पॉजिटिव वाइब्स आ रही है इस फिल्म से। वही बात करूं दोस्तों इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की, दोस्तों अजय अतुल ने कमाल का म्यूजिक दिया हुआ है, और दो गाने जब बजते हैं ना दोस्तों, राम सिया राम के जय सिया राम सॉन्ग है, जय श्री राम, दोस्तों ऑसम। उसके बाद एक सीन दोस्तों जहां पे हनुमान जी वो पहाड़ को उठा के लेके आते हैं भाई, वो गूज बम्स करने वाला है, क्योंकि वो जो दृश्य है ना भाई, राम जी के पीछे से शॉल्डर शॉट लेके वो हनुमान जी को कैप्चर किया है दोस्तों, वो कमाल का लग रहा है। आपको बता दूं कि फर्स्ट हाफ जो सीन है दोस्तों, वो उसमें सिर्फ रघुवेंद्र यानी कि राघव और जानकी के रोमांटिक सीन्स दिखा रखे हैं, एंट्री का सीन्स है, भगवान श्री राम का एंट्री सीन जहां पे वो धनुष को तोड़ते हैं, और दोस्तों रामायण का एक परिचय भी दिया गया एनिमेशन के थ्रू। तो दोस्तों फर्स्ट हाफ के अंदर ये राम भगवान की एंट्री का सीन्स है, और उनके चरित्र के, उनके जीवन की सीन्स दिखाए गए हैं। वही दूसरा हाफ दोस्तों पहले हाफ से बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर वो भगवान जो है सुग्रीव को ढूंढते ढूंढते हनुमान जी के पास, और रावण के साथ बैटल युद्ध होता है। आपको बता दूं दोस्तों कि सेकंड जो पार्ट होता है इंटरवल के बाद दोस्तों, वो फिल्म का एक मेन पहलू होता है। उसमें आपको बता दूं दोस्तों कि रावण दोस्तों जो सबसे ज्यादा एक फोकस पॉइंट है कि रावण क्या सीन है। दोस्तों आपको बता दूं कि रावण जो है ना दोस्तों, रावण पे कुछ चेंज नहीं हुआ यार। रावण जो दोस्तों इसमें सैफ अली खान बने दोस्तों, इसमें एनिमेशन कुछ ज्यादा अलग तरीके से दिखाया गया है, टीज
टीजर और ट्रेलर में आपने एक सीन देखा होगा जब प्रभास है ना ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और बोलते हैं कि मैं ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए विवश हूं और उसके नाभि में तीर मारते हैं। दोस्तों वो तीर नाभि में रावण के लगता है। आपको बता दूं कि जब रावण प्रकट होता है दोस्तों तो वो जो एक बर्फीला टाइप का है ना उन्होंने कुछ ऐसा किया होता है, त्रिशूल ऐसा करता है और दस माथे आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि 10 सिर ऐसे नहीं होते हैं, आगे पीछे कहीं भी 10 सिर घूम रहे होते हैं और उससे बात कर रहे होते हैं रावण से। कुछ नया दिखाया गया जो आपने शायद ऐसा रावण में नहीं देखा होगा। सैफ अली खान की एक्टिंग दोस्तों एज ए विलन कमाल की एक्टिंग की है सैफ अली खान ने। वही हनुमान जी का जो रोल किया है नागेश दत्ता ने दोस्तों उन्होंने भी कमाल की किया है। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं अगर आप कैरेक्टर के लुक के पीछे भागोगे और आप ग्रंथों से जोड़ोगे तो फिर तो ये फिल्म दोस्तों बॉयकॉट हो जानी चाहिए और कहीं ना कहीं इसको कचरे में डाल देना चाहिए। लेकिन जनता है इसको भगवान श्री राम के लिए प्यार दे रही है, भगवान श्री राम के लिए देखने जा रही है क्योंकि ये भगवान श्री राम की फिल्म है, हमारी फिल्म है और इस फिल्म को इतना प्यार मिल रहा है कि इस फिल्म ने पठान के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। दोस्तों आप इसे एंटरटेनमेंट को देखने के लिए जाइए क्योंकि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनी हुई है। प्रभास की एक्टिंग दोस्तों कमाल की लगी है, उनके जो आवाज जो डायलॉग डिलीवरी की है शरद केलकर की आवाज में म्यूजिक के साथ जब वो बोलते हैं डायलॉग दोस्तों वो एक मोटिवेशन दे देता है। खासतौर से वो वाला सीन जब ट्रेलर के अंदर भी आपने देखा होगा और यहां भी दिखाया गया है कि समुद्र किनारे और जब युद्ध भूमि में रावण के महल के पास जब वो दोस्तों रावण से बैटल करने जा रहे होते हैं तो भगवान श्री राम एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं वानर सेना को। शरद केलकर की आवाज इतनी भारी है दोस्तों कि बाहुबली भी फेल है। दोस्तों बाहुबली के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है, पठान के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और भाई एक खतरनाक फिल्म होने वाली है। इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि रावण ने माता जानकी को हाथ नहीं लगाया, जो थोड़ा सा एक नया मुझे देखने को मिला कि उस बंदे ने अपनी माया से उनको कैद करके वो ले गया लेकिन हाथ नहीं लगाया, तो मुझे ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा जो मेरा पर्सनल ओपिनियन था। उसके बाद दोस्तों कुछ चीजें जो है कहीं ना कहीं मैंने बताया ना आपको कि अगर रुद्राक्ष टूट जाती है तो रुद्राक्ष टूटना नहीं चाहिए फिर भी टूट चुका होता है। आप अगर इसको लॉजिकली ढूंढोगे तो फिर ये फिल्म हर तरीके से इसमें सीन जो है बेकार है क्योंकि नेपाल में भी फिल्म बैन हो चुकी थी और फाइनली फिर उसको एक क्या बोलते हैं प्रूफ देना पड़ा तब जाके नेपाल में दोबारा रिलीज हुई। तो दोस्तों आप लॉजिक ढूंढोगे तो ये फिल्म इलॉजिकल है, लेकिन अगर आप इसे एंटरटेनमेंट के लिए देखने जा रहे हो तो दोस्तों ये फिल्म You have to go, you must watch. ये फिल्म दोस्तों फिल्म नहीं है, एक लेगेसी है और इसको आज की जनरेशन को देखना चाहिए। मैं इसको 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा क्योंकि दोस्तों मैंने 0.5 इसलिए काटा क्योंकि वो मेरे रामायण से मैच नहीं करता है। दोस्तों इस फिल्म को देखने के लिए जाओ यार, बहुत कमाल की फिल्म है और पहले दिन की ओपनिंग मैं गारंटी कहूंगा कि 100 करोड़ के पार जाएगी क्योंकि जिस हिसाब से ट्रेड क्रिटिक्स के और कलेक्शन आ रहे हैं और जिस हिसाब से इस फिल्म ने अपने रिकवरी कर ली है दोस्तों ये फिल्म जो है पहले दिन की ओपनिंग में पठान के रिकॉर्ड तय है तोड़ना, इसको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि बुक माई शो पे भी 1 मिलियन का इंटरेस्ट जाना एडवांस बुकिंग से पहले दोस्तों वो ऑसम था। तो दोस्तों देर किस बात की थी, ये थी मूवी रिव्यू, इसके बाद बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट दूंगा इसकी जल्दी ही आफ्टर दिस वीडियो। तो दोस्तों बने रहिए अपने भाई रवि चौधरी को प्यार देते रहिए और सॉरी यार कल वीडियो नहीं ला पाया क्योंकि थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब हुई थी एंड आई वॉज नॉट कंफर्टेबल। तो दोस्तों देर किस बात की है, अपने भाई को स्वागत नहीं करोगे यार, तो लाइक कमेंट करो और चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब करो। जय श्री राम।